तो हेलो गाइस, और कैसे हो आप लोग। वैसे मुझे पता है कि मैंने इस बार इंट्रो ठीक से नहीं बोला, बट क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इंट्रो थोड़ा चोरी किया है, तो मैं नया इंट्रो बना रहा हूँ तुम्हें पता ही क्या। तो देखते हैं हम आगे कहाँ जाएंगे। हमने जाना था रूट 10 पे, फिर हम रूट, वैसे हमने ओल्ड माइन अभी तक पूरा नहीं किया, फिर हम सोलारिस सिटी में पहुँचेंगे। ओके देन, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने इंट्रो कैसे सुनो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है ये भी गलत है, मुझे शर्म आ रही है, क्या ही बोलूँ। हेलो ब्रोज एंड सिसीज, ब्रोज एंड सिसीज अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में, लो ब्रोज एंड सिसीज, सिसीज एंड ब्रोज। सच में ओल्ड माइन, ओल्ड माइन, ओल्ड माइन, चलो चलते हैं। ओ भाई यहाँ पे तो भाई ट्रेन की पटरी भी है। ओल्ड माइन, ओके देन, पेरिस, वोबैट, जियोडूर, हीटमॉल, ऑनिक्स, क्यूबॉन, नॉयबैट, इनके सोलगैलियो, सॉरी सॉरी गीबन मिलता है, मैंने सोलगैलियो की बोला, आई डोंट नो, वो सोलरॉक था, एक्सट्रीमली सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रिपेल इधर ही है भाई, सामने से ही है। इन अंकल से पहले बैटल तो दिखाई दे दो, क्योंकि एपिसोड का फर्स्ट बैटल तुम लोग को देखना ही चाहिए ना। सर देखते हैं, रॉक टाइप पोकेमोन यूज़ करेंगे, मुझे नहीं पता मैंने शुरुआत में मैंने क्या रखा है। दो पोकेमोन है, ऑनिक्स कास की ग्रो वाई लो, कास की ग्रो वाई लुकारियो, कोई बात नहीं, लुकारियो भी अच्छा है चॉइस है, और स्पेयर। वैसे एक बात बताना, मैंने अपने लुकारियो को बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे इवॉल्व करवाया था, जब इसको और स्पेयर सिखवाना था, वरना तो भाई मुझे पैसे बर्बाद करने पड़ते हैं, और तुम लोगों को पता है ना मुझे पैसे बर्बाद करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं भिखारी बन जाता हूँ। टीयो का नाम स्क्रीच सीख रहा है, बट आई डोंट वॉन्ट टू, आई मीन समझ रहे हो ना मेरी इंग्लिश कितनी बेकार है, बस स्क्रीच नहीं सिखाना। मार्ट स्टॉम, ओके ये थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, बट और पेड़ ही मारता तब भी, देखते हैं, बच गया, कोई बात नहीं, इस बार वो को यूज़ करना, वैक्यूम वेव से हार जाएगा बंदा, और क्या वैक्यूम से, ओके वैक्यूम वेव से हार चुका है। तो फिर लुकारियो को 1141 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, और वो लेवल 32 में पहुंच चुका है, भाई को ज़्यादा ही लेवल पहुंच चुका है, मैं चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा लेवल अपनाओ, कोई बात नहीं, जिम के टाइम पे जो होता है ना तो सबके लेवल इक्वल कर देता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। जांगमो को छोड़िए, जांगमो का लेवल अप करना भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, और वैसे मैं तो टीम में रखूँगा नहीं, क्योंकि अभी के लिए तो ड्रैगन टाइप पर इवॉल्व को फाइटिंग बन जाएगा, और मुझे वो चाहिए नहीं, बिकॉज यू नो ना आई हैव माई लुकारियो, और ड्रैगन टाइप के लिए मेरे पास स्केप्टाइल है मेरा, जो मैगा इवॉल्व हो सकता है, इसके अंदर से जा सकता है, फिर इधर से पहले इधर से जाके देखो क्या ट्रेनर बैटल मैंने जा रहा, अंदर से जाते चलते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या है, एक नया खिलौना हमारे लिए, हम खिलौने नहीं है, ये वो द फन है, हा हा हा, लिसन चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चों के लिए जो कि सेफ नहीं है, जैसे कि तुम, हम यहाँ पे तुम्हें कोई भी हर्ट कर सकता है, क्या तुम यहाँ पे अफ्रेड नहीं हो, यहाँ के तुम सोचते थे इनसिग्निफिकेंट हो, कम ऑन किड, अब तुम एक रॉन्ग वे ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम हमारे जैसा चांस पाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला, हमने ब्ला 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 ब्ला, मुझे नहीं बात करनी इन लोगों से, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके देन, ग्रंट ए और ग्रंट बी दोनों से बैटल करना है हम लोगों को। ओके ग्रंट हीबे एंड बिल है, सॉरी इनका नाम, स्पिरिटोम एंड डस्कॉल्प्स, भाई डबल बैटल है सबसे बड़ी बात, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 6 पोकेमोन उन पे, फ्रिस्क, ओके ये तो एक टाइप का घोस्ट टाइप जिम हो गया हमारे लिए, बट थोड़ा सा ईजी जिम है ये, क्या यूज़ करूँ समझ नहीं आ रहा, डार्क टाइप है बंदा, आइस पंच यूज़ कर रहा स्पिरिट रूम पे, और इस या फिर ठंडे पंच ही कर देता हूँ है ना डस्कॉल्प्स पे, और ये प्रोटेक्ट यूज़ करेगा जांगमू बस, ताकि जांगमो को अटैक ना लगे, ठंडे पंच देखते हैं, डस्कॉल्प की आधी एच पी भी नहीं गई यार, काम मैन यूज़ कर रहा है वो बंदा। विलो विस्प, ओ सही है भाई जांगो के लिए, तो अनदर ठंडा पंच और डस्कॉल्प्स, और इसका प्रोटेक्ट अब यूज़ नहीं होगा, इसलिए आयरन हेड डस्कॉल्प्स के ऊपर, ताकि वो बंदा एक बार हार्ट हो जाए, वैसे भी उसने फॉलो में कर लिया है, उसके ऊपर अटैक लगेंगे, वैसे उसके ऊपर ही मैंने मारे थे वैसे तो, ना आयरन हेड से मर जाना चाहिए बस, मर जाए बस यार, नहीं यार ज़्यादा देखो, ज़्यादा ही कमज़ोर पोके माने मेरा जांगो, इसने मेरा लक किया क्लियर है भाई मेरी इसका, सॉरी वो इससे अटैक कर रहा है, ये अटैक कौन सा मुझे जानना था अभी, अच्छा मैं बताना ठीक है तुम लोग, ठंडा पंच फिर से कर रहा हूँ उस पर, और इस बार प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मैं इस पर,
अच्छा मुझे एक बात बोलना यार, मुझे ना मैंने ना कुछ दिनों पहले, आई मीन कुछ दिनों नहीं, मैंने परसों ही बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मस्त चीज़ देखी, मैं रोना आ गया था। पोकेमन ओमेगा रूबी, आई मीन लिटरली मैन, वो कितने ज़्यादा अनोखे दिन थे मेरी ज़िंदगी के, बट वो अनोखे दिन को मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम उसे देखो? अगर हाँ तो मुझे बताना, क्योंकि ये मैंने ना जब भाई पॉकी गेमर के चैनल पर देखा था ना, तो ना वो 2 साल पुरानी वीडियो है, मैं 2 साल पुराना पॉकेट में बहुत देखता था, हमने उनके हर वीडियो देखा था, और उनका स्टार्टर पे तूफान था, तूफान का मतलब उनका स्केप्टाइल, भाई कितना अनोखे दिन थे वो ज़िंदगी के, और वो गोल्डन ईरा था पोकेमॉन कम्युनिटी के लिए। हाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो गोल्डन ईरा अब ख़त्म होते जा रहा है मैन, इस साल में आई थिंक तो कम्प्लीटली ख़त्म ही हो जाएगा। आई थिंक सो कि न्यू कैरेक्टर लीको और रॉय अच्छे रहे, बट एज कैरेक्टर मैं उसके पोकेमॉन टीम को कोई नहीं हरा सकता। और ओमेगा रूबी और रेक्स जब हमारे इंडिया में लॉन्च हुए थे ना, एमुलेटर में जब एंड्रॉयड बंदे खेल पाए थे, तो उनके लिए ऐसा लगता था ना कि उन्होंने सच में निंटेंडो स्विच बाई करके उसमें खेल रहे, ऐसा फील आता था मुझे के टाइम पे। वो अलग बात है, मैंने 2 साल नहीं हुए, मेरे लिए 1 साल है, मुझे 1 साल बाद खेलने मिला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम तो फ़ोन में खेल सकते हैं, और तब के लिए तो भाई मुझे ऐसे GB गेम भी नहीं पता था कि खेल सकता हूँ मैं। वो तो भाई मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि हाँ तू खेल सकता, जबकि वह पोकेमॉन लवर नहीं था। सुन के मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया था मैं, बट हाँ ये रियलिटी है, वो पोकेमॉन वो नहीं था, बट उसको डाउनलोड करना आता था। और उसने मुझे सबसे पहले पोकेमॉन एस गैरी डाउनलोड करके दिया था, और मैंने जो भाई तुम्हें पता है ना एंडगेम की तो ज़्यादा लेजेंडरी गेम है, जिसमें एस कैचम प्लस गैरी ओक, आई मीन गैरी ओक की तो कहानी नहीं होती, बट एस कैचम की कहानी होती है, कितनी मस्त कहानी होती है यार, रोना आता है वो सब सुन के। अब तो तब के टाइम पता, मैंने भैया मुझे कहता रोकते थे कि ये तो मत खेल, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो प्ले स्टोर में अवेलेबल तो नहीं है, जबकि वो था, वो फाइल्स थी ना, क्योंकि अब फाइल्स तो भाई कभी प्ले स्टोर में अवेलेबल होगी नहीं, ऐप होंगे तो मैं ऐप से भी डाउनलोड करना पड़ता था, फाइल भी करना पड़ता था। भैया बोल तू ना फाइल, भैया को पता नहीं था फाइल डाउनलोड करता हूँ, वो लगता था मैं ऐप डाउनलोड करता सीधे, तो बस इसीलिए बोलते गूगल से डाउनलोड करते हैं मत कर, ये लीगल है हमारी इंडिया का, चाइना का माल है। हाँ अब मुझे बताओ, अगर वो बोले ना चाइना का माल, तो मैं बोल दूँगा उसकी जगह मुँह पर मुझे चाइना पसंद है, इंडिया से, इंडिया से तो नहीं बोलूँगा, इंडिया तो अच्छी अच्छी जगह बताता, आई मीन हमारे यहाँ पे घर बसा हुआ है, बट हाँ चाइना को जितना इतना ज़्यादा वो नहीं मानना चाहिए, आई थिंक सो कि भाई समझ जा मेरी बात। देखते देखते बता भी नहीं था मैंने कंपनी लोगों के पकड़ को हरा डरने लग गया। सिड निंज सर निंजा के तो भाई 1 HP होती है, इसलिए उसको एक फायर फैंग में हरा सकता हूँ, और इसको तो हरा दिया, रिबॉम्बी की पावर देखी एक अटैक में मार दिया बस को ने। आई नो कि उसकी HP थोड़ी कम थी, बट फिर भी बड़ी बात है ये, वो डार्क प्लस, तो वो डार्क प्लस गोस्ट के लिए तो सुपर इफेक्टिव होगा ना, मोबाइल 31 का हो चुका है। ओके इधर इसकी HP क्यों नहीं गई, फोकस सेस मैन, ये गलत बात हुई, इधर फोकस सेस हटा कर, ओए वेट अगर फोकस सेस है तो जितनी बारी मारेगी मरेगा नहीं क्या एक बार भी? भाई मरना तो चाहिए, वरना तो गलत बात हुई, ऐसा भाई पकड़ कभी भी नहीं मरेगा। फायर फैंग पोलन पफ यूज़ कर रहे हो ताकि इसकी HP बढ़ जाए। भाई ट्रेन किसकी यूज़ किया मैंने, मुझे भी नहीं पता भाई, वंडर गार्ड यूज़ हो गया बट इसका, और पोलन पफ यूज़ करना चाहिए था अपने टोरा कैट के ऊपर ताकि वो हील हो जाए। भाई रिबॉम्बी सही पोकेमॉन है यार, ये हीलर भी है, एक साथ साथ में हील भी कर देगी वो तुम्हारे पोकेमॉन, अपने ही पोकेमॉन का मतलब कि, हाँ वो अलग बात है डबल बटल में हील होगा बस, बट हील तो कर रही है ना वो। अरे कितनी मस्त का पोलन पफ अटैक, मैंने बेस्ट बग टैप अटैक लगता है, बेस्ट बग टैप अटैक, इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक आज कि वो जनरेशन पहले फर्स्ट में कंट्रीड्यूस हो जाता ना, मैं जनरेशन फर्स्ट से ही बग टाइप यूज़ करता, बट अनफॉर्चुनेटली जनरेशन 7 में इंक्लूड हुआ था हमारी रिबॉम्बी के साथ, क्योंकि रिबॉम्बी का ये सिग्नेचर मूव है, और अब तो वैसे हम ये उस पर भी यूज़ कर सकते हैं ना, क्या नाम है हमारा पोकेमॉन का, एल्डिगोस का पोकेमॉन यूनाइट में मैंने देखा है, आई मीन मैं तो खेलती हूँ और मैं उसका मेन भी हूँ, तो मुझे पता है, बट पोलन पफ यूज़ कम कर देते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कमच भी देता है वो, और बहुत ज़्यादा कम डैमेज भी देता है, बट पोलन पफ इस गेम में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो देखते थे हमने लोगों ने इन लोगों को हरा भी दिया है। और ही बैन बिल हमें 1344 रुपीज़ मिले थे, ओके
मुझे बात करने का मन नहीं हो रहा, प्लीज़ मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहता। अच्छा मुझे बताना मेरा ओवरले, यार सच्ची बताना मुझे अपना ओवरले ना कितना अजीब सा लग रहा है, बेकार लग रहा है। पिछले वाले ओवरले से जैसे जो भी सही है, पिछले वाले ओवरले से सही है ये ओवरले मेरा, क्योंकि भाई पिछले ओवरले में सब कुछ घिचमिच घिचमिच हो गया था, मतलब बंद समझ ही नहीं पाएंगे, मैं समझ तो जाएंगे वो तो मैं पता है भी बेवकूफ नहीं है, बट वो कुछ ज़्यादा वैसा हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। देखते ये बंदा क्या बोलता है, क्या तुमने कभी रामेन खाया, बहुत डिलीशियस होता है, आफ्टर 3 मिनट वो बॉयल हो जाता है और कुछ होता है मतलब समझा नहीं। यहाँ कोई आइटम है क्या यार? हाँ है भाई, देखते चलो। भाई मैं एक क्लिप क्लिक तो कर रहा बट ये हो नहीं रहा। ओके। रिपील नहीं। अच्छा तुम लोग एक बार बताना, तुम लोगों ने कभी ओमेगा रूबी खेला है? अगर हाँ तो अपनी टीम मुझे बताना, मैं अपनी टीम बता तुम लोगों को। चलो जब मैंने पहली बार अपना ओमेगा रूबी खेला था ना, तो मेरी टीम में एक तो वो था मेगा स्केप्टाइल था, मेगा अल्टारिया था, मेगा गैराडोस था, मुझे पता दो तो फ्लाइंग होंगे बट छोड़ो ना। हाँ मैं कहाँ पे था, हमारा अगर दोस्त था वैसे पहले इसकी बात देखते। हेलो मेरे ब्रदर, तुम कैसे हो? मुझे लगता है कि तुम गुड ही होंगे, मैं ग्लेट करते हुए तुम इधर आ चुके हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने अपने अपने फ्रेंड के फ्रेंड फियर और साइको के साथ कहीं जाने का काम सोचा था, बट वो दोनों में से कोई नहीं आया और अब मैं आप अकेला हूँ, बट वर्स्ट थिंग ये है कि हमारे पास एक दूसरे का नंबर भी नहीं है। वाओ कितने बड़ा मतलब वो वाला बंदा ही है, बट क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? उनके घर का साइको सेल से डाउन रहता है वो सेलेटिस सिटी में। ओके वैसे मैंने दोनों को देखा था कहाँ पे दोनों के दोनों बंदे, बट जब मैं गेम खेल रहा था ना तब मैं भूल गया था वो दोनों कहाँ हैं। सो मैं आप लोगों को मिलूँगा उधर जहाँ पे मिलना है हम लोगों को, ठीक है? तो ये लो साइको के घर आ गए हम लोग। चलो साइको अब तो मुझे जाना चाहिए, सी यू लेटर, बाय बाय। देखा है तो भाई कहाँ पे है, कौन से घर में है? ये देखो ये हमारे इधर है, और देख हमारा फियर की जगह कहाँ है, फियर ये रहा। ये बंदा हमारे सोलारिस सिटी में था, सोलारिस सिटी में था। यू आर 10, ये घर भी दिखाता हूँ ये घर कहाँ है, वैसे पोकेमॉन सर के बगल में ही है तो डरो मत, सोलारिस सिटी में, ठीक है? चलो और वैसे बैटल जाते जाते ना मैंने बैटल हो रहा था तो मैं टोड़ा कट इवॉल्व हो गया है सच में, मैं टोड़ा कट इवॉल्व हो गया इंसेनाडोर में, मैन कितनी बड़ी बात है ये मेरे लिए। इंसेनाडोर एक डार्क और फायर टाइप पोकेमॉन, फाइनली हमें एक डार्क और फायर टाइप पोकेमॉन इंसेनाडोर मिल गया है। यार कितना ओपी पोकेमॉन नहीं है इसका, वैसे वो का फ्लेम थ्रोअर देखा आपने कहाँ से निकलता है, इसकी बेल्ट से। और जब मैं बचता था ना तो मैं पता नहीं क्यों तो बड़ा अजीब सोचता था कि इसके कई समझ जाओ इसकी उस जगह से इसका फ्लेम थ्रोअर निकलता है, कितना गंदा सोचता था ना मैं। सॉरी यार एक चीज़ बोलो, मुझे ना गेम खेलने में तो मज़ा आता है बट रिकॉर्ड करने में नहीं, मुझे वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मन नहीं आता। वाओ तुम्हें बीस्ट हो, मेरे पास कोई शब्द नहीं है तुम्हारे एटीट्यूड के लिए, थैंक्स एपोकोलॉजी तुमने हमें बचा लिया। हाँ मुझे नहीं पता था हमें स्टॉक से मिलना है, डाइट एपोकोलॉजी हमें तुम्हें थैंक्स कहना है। रिलैक्स गाइस तुम मेरे दो भाई हो, फियर और साइको लेजेंड है, हमारे पास एक इंस्क्रेडिबल आइडिया है, क्या हमें पकलोजी से बात करनी चाहिए अगर हम दोनों अपने फर्स्ट पकवान को करें? तुम्हें करते पकलोजी बिल्कुल, मैं तुम तीनों को हरा सकता हूँ, और मैं थोड़ा सा भाई सब फास्ट फॉरवर्ड करना चाहूँगा, पहले बस पोकेमॉन देख लेता हूँ। क्या पॉकेट ट्यूबर है ये बंदा साइको? ओके ग्रोवर 11 भाई, गलत पोकेमॉन निकाल के रखा था, मॉक्सी एबिलिटी ऊपर से लुकाड़ियों का ठंडापन से एक बार में हारेगा वो अलग बात है। अगले पकवान देख, ये कौन सा नाम है भूल गया था, जो भी वो साइको लगता है मुझे तो, ये बार सॉरी फियर लगता था, बताओ फियर होगा ये बंदा, उसका गार्ड वॉइल है, तो फिर मैं यूज़ करना चाहूँगा अपना डार्क लियाट वाला इंसेनाडोर का, भाई कितना मस्त पकवान है ये बंदा, इस पर फेरी टाइप अटैक इफेक्टिव भी नहीं होंगे। अब इस डार्क की बारी, क्योंकि फेरी टाइप अटैक फायर टाइप के सामने बहुत ज़्यादा बेकार। और यार चार हज़ार का बटन ट्रेन किस करता हूँ अभी के लिए, तो ड्रैगन डांस नहीं अभी जल्दी हटाना पड़ेगा। ओ मैं ही सबको मेरा मार रहा था सच्ची, पर लास्ट में मेरा लुकारियों ने हरा दिया, पता है इसकी स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखी थी अभी के भी,
बुलसेट एक 4 HP का मैंने लुकारियो बचा हुआ है, वरना मैं सारे सर्वेंट पोकेमोन हार चुके अभी तक। कॉन्ग्रेचुलेशन पोकेलो, जी तुमने हम सभी को हरा दिया है, और इसके लिए हम तुम लोगों को देना चाहेंगे, जैसे कि तुम्हें देना डैगनोरिया सिटी में, ये तीन हमें बाद में मिलेंगे, तो हमें जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। साइनी स्टोन, नाइस, पर मैं चाहिए नहीं था जरूर, थैंक यू अभी। फायर स्टोन, शुक्रिया बट। डस्क स्टोन, तुम्हारा भी शुक्रिया बट क्या ही बोलूँ मैं तुम लोगों को। आई एम अमीर गाइस, स्टारबोर्ड सिटी में हम लोग पहुँच चुके, और ये सिटी बीच टाइप का है, अच्छी लगी मुझे चीज़, बीच टाइप की सिटी है। चलो इधर हमारा एक जिम तो होगा, कम से कम जिम को हराना में, जिम को तो भी जिम यहाँ पे कौन सा टाइप हो सकता है, देखो वाटर टाइप का भी हो सकता है, बट ये अलग अलग टाइप की चीज़ें नहीं, मतलब कि हमें पता नहीं सकती कि बीच को देख के होता है, क्योंकि बीच कई बार वॉल्केनो टाइप की भी होती है, देखते बीच में वॉल्केनो हुआ तो फायर टाइप भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आप लोगों को याद होगा, नहीं वाटर टाइप तो लग रहा है मुझे वैसे, क्यों ज़्यादा ज़्यादा आई डोंट नो, बट फायर टाइप हो सकता है, ठीक है ना। देखा ज्वालामुखी है, वो वहाँ पे मैगा स्टोन थी तब, दो लीडर अभी तक वापस नहीं आया है। ओके तुम्हारे लीडर का पता नहीं अभी क्या हुआ। स्टारबोर्ड सिटी जिम, आई डोंट नो पुर्तगीज। यहाँ पे केव भी है वैसे तो, बट हम बाद में जाएंगे, पहले सिटी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ओके यहाँ पे वैसे मोम अच्छी बजा रही थी, मोनालिसा, ओ माय आर्क, यस मोनालिसा। क्लैम्पर्ल क्या ये मुझे पर्ल लेना चाहिए, देखा मोनालिसा इतनी अमीर है, इसने मुझे पर्ल दिया, पर्ल कहेंगे ना, पर्ल, ओ मैं डाइव बॉल मिला, सही है यार। एक चीज़ मतलब मुझे अभी भी ढूंढना आ रहा है, एस पिकाचू, छोड़ो रुआना तो छोड़ना तो नहीं वालों, वापस तो नहीं आएंगे ना, जब भी रुआना हमें मिल गई है, तुम्हें याद होगा तो एक सोलारिस टाइम में एक बनता था जो बोलते कि मुझे अपनी बीबी से, आई मीन मुझे अपने गर्लफ्रेंड से मिलना है, वो इस सिटी में है, तो ब्ला ब्ला ब्ला, हम उसको मिल गए, अब वो बोलना चाहते कि तुम वापस जाओ। वाओ बस इस गाने में इतना ही गुस्सा, मैं बाकी सब मैंने कट कर दिया है। यार ये ऐसा भी क्या चुका पाएंगे, मुझे रोना आ रहा है अभी भी, ऐसा पी के चाहने से भी सबसे बड़े दिक्कत तो मुझे ये लग रहा है ना, क्योंकि हमारी पोकेमॉन कम्युनिटी, आई मीन सच्ची मैन, हमारी पोकेमॉन कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी थी 2 साल पहले, और अब उसी कम्युनिटी को हम आज देखें ना, तो वो बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है इस कंपेरेटिवली, बट अभी के लिए तो बस क्या ही बोलूँ, पर अब तो भाई वो कम्युनिटी और ज़्यादा छोटी हो जाएगी जब ऐसा पी के हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे, वैसे वो छोड़ के चले चुके हैं, बट जब लीक ऑर्डर का फर्स्ट एपिसोड आएगा तब, पोकेमॉन हॉरिजन्स का जब पहला एपिसोड आएगा तब। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, पर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मैं इवन मिस पैस एंड पिकाचू, दे आर लेजेंड्स, दे बोथ आर लेजेंड्स। और इन लोगों की बात सुनकर तो और ज़्यादा रोना आता है मुझे, तुम्हें पता है क्या, तुम सोमी भैया भी वापस आ गए हैं, और जब मैं सोमी की बात सोचता हूँ ना तो मुझे ऐस कैचम याद आता है, और सोमी भैया अभी वापस आ भी चुके हैं, और मुझे अब उसके बारे में रोना आता है। ऐस कैचम वापिस आ चुका है, बट वो ऐस कैचम जा रहा है रियल वाला, मैन क्यों मुझे ऐस कैचम जाने से भी सबसे बड़ा तो रोना क्या आ रहा है कि हमारी पोकेमॉन कम्युनिटी इतनी छोटी हो चुकी है, मैन अभी लीको रॉय की बात भी छोड़ो, अभी हमारी पोकेमॉन कम्युनिटी कितनी ज़्यादा छोटी हो चुकी है, इस केव में जाके देखते हैं आगे का। ठीक है तो अब हमें अपना ये रोना रोना बंद करना चाहिए, लिटरली मैन लिटरली, रोने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अब अपनी कम्युनिटी को वापस से बढ़ाना चाहिए, आई मीन लिटरली अब हमारा, बट हमारा एक लेजेंड हमें बताने की, वो लेजेंड अब लेजेंड नहीं रह रहा, पॉकी गेमर तुम लोगों को पता ही होगा उसके बारे में, और इधर कुछ कट सीन है, चलो देखते हैं। What can I do about it? Though entrepreneur persons here,
मैं सोचता हूँ कि मैं अपने पोकेमोन को ट्रेन कर दूँ, तभी मैं हंस सुनता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिचुएशन हो रही है और ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सिचुएशन है और हमें कुछ नहीं पता क्या करें। तो हमें क्या करना चाहिए अपने सिटी के लिए? हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डेंजर में है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हाँ प्लीज़, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा और उस एग को भी जो हमारी सिटी के हैं। माली सस्ता ही कह रहा है, हम अपने एग को किसी के सामने जाने नहीं दे सकते, वो तो हमारी प्रॉपर्टीज है। ओके, तो मुझे इनकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही मैन, मैं तो ज़्यादा अनपढ़ हूँ ना। बट पोकेमॉन कोई बात नहीं, होता रहता है ज़िंदगी में, कोई आता है तो कोई जाता भी है, हमारी कम्युनिटी छोटी नहीं हो रही। सॉरी मैंने गलत बोला, अभी हमारी पोकेमॉन कम्युनिटी छोटी हो रही है, बट मैन कोई बात नहीं, हमारी कम्युनिटी ओजी फैन ही रहते हैं, वो कभी कुछ और फैन नहीं बन सकते। पता नहीं बचपन के दिन इतने मेरे अच्छे थे, और मैं काश कि मैं आज से 5 साल पहले पैदा होता, मतलब अपने रियल एज से 5 साल पहले पैदा होता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता, तब मैं पोकेमॉन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो पाता। अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा छोटा, अभी के लिए मैं बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं कहूँगा, बट नॉर्मल हिस्सा हूँ अपना एक। ओके, मेरे लिए तो मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा छोटा हिस्सा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा ना, शायद से कोई मेरा चैनल जानता होगा, 12K सब्स का मतलब ये नहीं कि मेरा चैनल बढ़ रहा है। सही बोला मैं। ओके, मुझे लगता है मुझे वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा मैन। ओके, तो चलो तुम लोग बताओ। ओके, मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताता हूँ पोकेमॉन के बारे में। ओके, जो पोकेमॉन आएगा ना, मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो फैक्ट बताऊँगा जो इधर मुझे बैटल करके बताए देंगे, है ना। ओके, जल्दी जल्दी बैटल कर लो ना बे तुम दोनों, अबे वो बैटल कर चल जल्दी से, मुझे जिम लीडर की बकवास नहीं सुननी, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा ये बताना, तुम लोगों को क्या पसंद है, ग्रेनिंजा और इंसिनेरेटर? मुझे तो भाई इंसिनेरेटर पसंद है, मुझे पता है 99% या मे बी 100% ग्रेनिंजा बोलेंगे, बट मेरे लिए मेरा इंसिनेरेटर बहुत अच्छा है, मुझे क्योंकि मुझे इंसिनेरेटर पसंद है। कुछ ही बंदों को ग्रेनिंजा पसंद नहीं होता है। हमें 3 पोकेमॉन लेने। ओके, तो मैं अपना इंसिनेरेटर लूँगा पहले, क्योंकि वो गोस्ट टाइप यूज़ करेंगे। लुकारियो लूँगा अपना, और अपना स्केप्टाइल लूँगा। मैंने रिबॉम भी को लिया है, सॉरी कोई बात नहीं, रिबॉम भी हरा देगी, रिबॉम को कम मत समझो बे, सेव हो जा भाई गेम को। ओके, देन बैटल हो रही है हमारी, किससे, इनका नाम किन, ग्रंट्स का, ग्रंट रिल्डो एंड जो भी हो, स्पिरिटूम और डस्कर्ट, ठीक है। स्पिरिटूम का जो पॉकेटिक्स नंबर है वो 108 है, और ये पता है क्या सोर्स करता है कि स्पिरिटूम के अंदर ना 108 आत्माएँ हैं, इसका वेट भी 108 है, इसका हाइट की हाइट भी 108 है, मतलब 108 समझ सकते हो ना। ओरिकोरियो, ये पता है असल में ओरिकोरियो के 4 टाइप्स होते हैं, ये उनमें से एक टाइप है जो गोस्ट और फ्लाइंग टाइप का था। अगला पकवान देखते हैं, गॉर्गेस्ट, जो असल में आप टिक और ट्रीट करने वाली आती है, बंदी है भाई ये, डायंसा का वन ऑफ वाइज की सबसे खतरनाक पोकेमॉन है डायंसा का, क्योंकि ये जब अपना ट्रिक और ट्रीट यूज़ करती है ना, उसके बाद ये जब एक गोस्ट अटैक यूज़ करती है जिससे ख़त्म कर देता है सामने वाले को एक बार में, इसलिए गॉर्गेस्ट इज बेस्ट फॉर डायंसा। डैजलिंग ग्लीम, डैजल ग्लीम, और डैजल का नाम है इधर, कोई बात नहीं भाई, डैजलिंग डैजलंग डैजल, वैसे डैजलिंग ग्लीम होता है मुझे पता है, जो भी मैं इसको रखूँगा, मैंने रख लिया है। डार्क लेयर से कर 16, इसका बारे में कुछ तो फैक्ट है कि ये भी कोई आत्मा भात्मा में से बनी हुई है। ग्लोबल लेवल 35 का हो चुका है। डबलेट का भाई कोई वो नहीं है, बट हाँ ये एक राइट फोर का मेन पोकेमॉन है, ये इसने ग्रेटिना का नाम लिया था, मैंने पढ़ा नहीं, एस होल। ओके, एस होल भाई, मुझे उसको क्या बोले भाई, ये बंदे भी ऐसे ही एस होल वैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डैमेज ब्ला ब्ला ब्ला। आज के लिए एपिसोड को ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, मैंने 24 मिनट का अभी तक हो चुका है, और मैंने सोचा था भाई ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता भाई, एक एपिसोड तो भाई मैंने 32 मिनट तक का चला गया था, वो तो मैं अभी भी सोचता क्या हो गया था। अभी इस एपिसोड का
एडिट कर रहा हूँ ना, इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा, अरे पता है मैंने गेम थोड़ा छोड़ दिया, मैंने बोला था ना तुम लोग का 5-6 बजे तक एडिट कर रहा हूँ मैं, आई मीन बना के रख दिया, मुझे एडिट करना बचा है बस वही कर रहा अभी के लिए तो मैं। इसीलिए पता है अभी मैंने पहला दूसरा तीसरा तो वैसे अभी तक तो मैं कुछ बताऊँगा ठीक है, पहला दूसरा चौथा ओके देन, क्योंकि मॉर्गन से हम अभी बैटल नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, ये एक सीक्रेट है ठीक है ना भाई। तो मैं बताता पहला दूसरा चौथा और पांचवा जिम हमने नहीं जीता अब तक, तो पांचवा वाला जिम ले लो, मुझे हराना है और बस हराना है और कुछ नहीं, और तब तक हमारा भाई हमारा फाइनल टीममेट में मिल जाएगा, बंदा अभी तक तो आ चुका है मॉर्गन, गुड लक। जो भी हो भाई मैं इससे लड़ने तो नहीं जा रहा इतना तो भाई मेरे पे दिमाग है ठीक है। तो भाई ये पहले अपनी यूज़ कर रहा मैं क्या बोल रहा था, तो भाई मतलब कि इस एपिसोड के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा, होप कि आप लोग इंजॉय किया होगा, वो मुझे पता है आपने मेरे मेरा आंसू ही सुने होंगे और कुछ नहीं जो भी हो मैं चला हील करने मानना हूँ। तो आज के लिए इतना ही, होप कि आप लोगों को पसंद आया और अब हम लोग कल मिलेंगे, सो सायोनारा।